डिग्रस तहसील के तूप टाकली गांव के करीब दो दुपहिया वाहनों में आमने सामने हुई टक्कर के बाद विवाद उपजा था, जिसमें एक व्यक्ति की मारपीट की गई थी, जिसमें 38 वर्षीय परेश देवीदास भोरे की मौत हो गई है। ऐसे में मृतक परेश की मौत सड़क दुर्घटना में नहीं बल्कि मारपीट से हुई आशय का आरोप मृतक के माता पिता ने लगाया है। शनिवार 26 अगस्त को दिग्रस के विश्राम गृह में आयोजित पत्र परिषद में सप्रे दंपति ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। 28 मई 2023 की इस दर्दनाक घटना का घटनाक्रम और दिग्रस पुलिस के टाल मटोल रवैये पर भी उन्होंने नाराजगी जताते हुए महागांव तहसील के सावना गांव निवासी संजय कोनबारा शेणके और शेणके के तुपटाकली के कुछ रिश्तेदारों को परेश की मौत का जिम्मेदार बताया है। आमच्या मुलाला एक्सीडेंट झाला, खूप मार होता आणि असं कळलं की त्याला मारलेलं आहे, कारण दोन बाईकची जे टक्कर होते त्या टक्करेमध्ये एवढा मार लागू शकत नाही। त्याचा जबडा पूर्ण कामातून गेलेला आहे, जबड्याला मार होता, त्याच्या सहा बरगड्या तुटलेल्या आहे आणि त्याचा डोळ्याला खूप पूर्ण डोळा हिरवा येऊन असा वाटीसारखा फुगलेला होता आणि डोक्याला मोठी जखम होती, त्याला टाके सुद्धा पडत नव्हते, इतकी खोप होती आतमध्ये। तर हे आणि एक बूट त्याचा इथे जिथे ऍक्सिडेंट ताकळीच्या 6 नंबरच्या दगड जवळ इकडे कॅन्टीनचे सगळे हॉटेल वगैरे भर वस्तीत त्याला मारण्यात आलेला आहे। त्याचा एक बूट इथे होता, एक बूट जवळपास अर्ध्या किलोमीटरच्या अंतरावर दोन फरलांवर पडून होता त्याचा सॉक्स आहे ते। तर आमचं पूर्ण आम्ही पोलीस स्टेशनला वारंवार विनवणी केली आणि पहिले रिपोर्ट घेत नव्हते, पोस्टमार्टमचा रिपोर्ट येऊ द्या म्हणत होते। पीएमचा रिपोर्ट आल्यावर आम्ही त्यांना तक्रार दाखल केली, त्याच्यामध्ये सरळ सरळ जो समोरचा बाईकवाला आहे तो त्यांचे सासरे त्या टाकळीचेच असल्यामुळे त्यांचे साळे यांनी मारहाण केल्याचं आमच्या कानापर्यंत आलं आणि त्यांनी मारहाण केल्याचं हे सिद्ध होते। जिथपर्यंत आमच्या मुलाला मरणोपचार न्याय मिळत नाही, आम्हाला न्याय मिळत नाही, तिथपर्यंत आम्ही चुपचाप बसणार नाही। वेळ पडली तर आम्ही दिग्रस पोलीस स्टेशनच्या हातीमध्ये उपोषणाला आम्ही दोघं नवरा बायको बसण्याची तयारी आहे। इस घटना में मृतक परेश को दिग्रस के ग्रामीण अस्पताल से यवतमाल के सरकारी अस्पताल और वहां से नागपुर उपचार के लिए भेजा गया, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। मृतक के माता पिता ने पोस्टमार्टम का हवाला देते हुए परेश की मौत की संदेहास्पद घटना की जांच की मांग की है, वरना उन्होंने न्याय नहीं मिलने पर पुलिस थाने में अनशन करने का मन बना लिया है। अफसोस इस बात का है कि दिग्रस पुलिस ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया। आखिर वह पुलिस अधिकारी कौन था जिसने उनकी शिकायत लेने से मनाई की थी। इस पूरे मामले की शुरू से जांच कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा और साथ ही साथ शिकायत दर्ज करने में टालमटोल रवैये के साथ लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों को कार्रवाई की फटकार लगाना समय की मांग है। मिशन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।